हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि हमने वादा किया था कि आप लोगों के लिए अगर आप लोग का जैसा डिमांड रहेगा, जैसा आप लोग का पोल में रिस्पॉन्स रहेगा, उसके आधार पर आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लाया जाएगा या फिर जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अनुसार आपका टेस्ट सीरीज लाया जाएगा, नहीं तो नहीं लाया जाएगा। तो अभी तक तो रिस्पॉन्स अच्छा ही दिखा है और अच्छा रिस्पॉन्स दिखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं आप लोग शेयर नहीं किए वीडियो या सभी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा, जो भी हो, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स मिला जुला कर ठीक है। ऐसा रिस्पॉन्स है कि टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप लोग के लिए सिक्स सेम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो हमारा है सिक्स सेम वरदान टेस्ट सीरीज, ये आज से आपके अपने एप्लीकेशन पर एक्टिवेट हो जाएगा। एक अलग कोर्स के रूप में आपको दिखेगा, जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा टेस्ट सीरीज, वहाँ पर जाकर उसमें आप इनरोल कर लीजिएगा। अभी वहाँ पर एक ट्रायल का टेस्ट दिया गया है ACS ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का, 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट उसमें अभी इंक्लूड किया गया है। धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है, जैसे जैसे आप लोग का एडमिशन होता जाएगा वैसे वैसे ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें जब तक हम पे नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन तो टाइप करेगा नहीं कोई भी व्यक्ति, जब उसको पहले पे करना होगा। तो उसी अनुसार आप लोग पहले इसमें आइए, इनरोल करिए, उसके बाद हम लोग जो है वो इसमें जो है वो मतलब टेस्ट धीरे धीरे और ऐड होते जाएगा। वैसे सप्ताह में कम से कम 2 से 3 टेस्ट जो है वो ऐड होगा इन सब में। ओवरऑल इतना हो जाएगा कि जैसा इसका नाम है कि वरदान आपके लिए, सच में ये टेस्ट जो है वो वरदान साबित होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म, पटना का कोई भी प्लेटफॉर्म आपके हित में, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम मात्रा में है, सिक्स सेम एलई वाले विद्यार्थी बहुत ही कम है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट ये करना नहीं चाहता, क्यों अपना समय आपके पीछे बर्बाद करेगा। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता है कि आप कम रहें, चाहे आप 10 विद्यार्थी भी रहें चाहे 50 विद्यार्थी रहें, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है पढ़ाना, आप 10 रहेंगे तो भी पढ़ाएंगे, 50 रहेंगे तो भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने में अलग बात है और टेस्ट सीरीज का अलग बात है। टेस्ट सीरीज में क्या है कि यहाँ पर मेरे तरफ से कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा है, यहाँ पर जो भी टाइपिंग करने का काम है वो दूसरा थर्ड पार्टी जो है वो करता है। एक वर्ड का टाइप करने का 20 पैसा चार्ज है, तो उस अनुसार बताइए कि जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसका कितना कॉस्टिंग हो जाएगा। तो जब तक आप लोग से इसका अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक टेस्ट सीरीज में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, जितना ज़्यादा एडमिशन रहेगा, उतना ज़्यादा टेस्ट आप में इंक्लूड हो जाएगा। अगर अच्छा मतलब 200 प्लस एडमिशन होता है तो कम से कम 5-5 टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, उसमें से एक दो आपका मिनी टेस्ट भी मिल जाएगा, जिसको मॉक टेस्ट छोटा कहते हैं, 20 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का छोटा छोटा मिलेगा, और बाकी आपको जो है वो 70-70 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और ये गारंटी आप ले लीजिए कि अगर 70 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो 60 प्लस ऑब्जेक्टिव आप उसमें सही करके आइएगा, क्योंकि उसी आधार पर जहां से वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं वही आधार पर यहां पर क्वेश्चन को डाला गया। वो लोग क्वेश्चन जो है वो जनरली क्या उठाते हैं, तो जनरली जो SSC JEE में पूछा गया, मतलब जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, JEE एग्जाम हो गया प्लस में मतलब स्टेट JEE हो गया, इन सब में जो पूछा गया उसी के आधार पर इस टेस्ट सीरीज को पूरा तैयार किया जा रहा है। और एक सब्जेक्ट में कितना टेस्ट निकलेगा, कितना क्वेश्चन निकलेगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम जो आपको है 200-250-300 क्वेश्चन बहुत निकला, तो एक सब्जेक्ट का 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकलेगा, बहुत अगर निकाले तब खोजबीन करके तब, तो उसी में से तो आएगा। तो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज जो दे दीजिएगा उसमें जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो सही है, जो नहीं आता है उसको आप एक अलग से नोटबुक बना लेना है, क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शन लिखना है, तो क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है। बाकी अगर देखेंगे यहाँ पर हमको परफॉर्मेंस पता चल ही जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितना विद्यार्थी को दिक्कत हुआ है, उस अनुसार फिर हम उसको देखेंगे, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसका एक अलग हम क्वेश्चन का एक पैनल बना के, पूरा क्वेश्चन का एक मतलब PPT बना के और YouTube पर उसका डिस्कशन करा देंगे, जिसमें कि ज़्यादा विद्यार्थियों को दिक्कत है, क्योंकि सारा क्वेश्चन का डिस्कशन कराना तो संभव है नहीं, 200-250-300 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट करेगा तो कैसे हो पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, मैक्सिमम आपको दिक्कत अगर होगा क्वेश्चन बनाने में तो बहुत अगर दिक्कत हुआ, आज का टेस्ट से पता चल ही जाएगा कि कैसा दिक्कत होगा, मैक्सिमम मानिए तो 20% आपको दिक्कत होगा। अगर 70 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो मैक्सिमम आप 5 से 10 क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, 70 क्वेश्चन का अगर हम टेस्ट सीरीज यहाँ पर देते हैं तो, बाकी सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े रहिएगा तब। तो पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लेकर भी आप रटने वाले अगर हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर समझदार है समझ कर अगर टेस्ट सीरीज को देते हैं तब उस केस में जब आप पढ़े हुए नहीं रहिएगा तब आपको बहुत दिक्कत होगा। तो पहला काम तो ये करना है कि कहीं पर भी आप चाहें, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, पहले अच्छे से उसका सिलेबस को रिवाइज करिए, सिलेबस को रिवाइज करके उसके बाद टेस्ट सीरीज में दीजिए, मतलब टेस्ट सीरीज दीजिए। बीच बीच में जैसे यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर जो मिनी मॉक टेस्ट रखेंगे वो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मतलब दो चैप्टर या 3 चैप्टर मिलाकर उस तरीके से देंगे। जैसे आज का जो क्वेश्चन होगा टेस्ट सीरीज का, उसमें जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप, क्लोज लूप,
सिस्टम जो है उसके बारे में दिए हैं, थोड़ा मोड़ा फीडबैक का दिए हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा, वो उसमें देखिएगा। तो जनरली कहना यही है कि विद्यार्थी कोई भी हो, जितने कॉलेज के जो भी विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के खास करके हैं, अभी तो हमारा काम इलेक्ट्रिकल पर ही चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे वाले ब्रांच के लिए सोचा जाएगा, क्योंकि अदर ब्रांच के लिए फिर अगर हम टेस्ट सीरीज लाएंगे तो उसके लिए हमको अलग टीचर को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि अदर ब्रांच का मेरे पास जानकारी तो है नहीं। अब सिविल और मैकेनिकल का हम कैसे बता सकते हैं, हम खुद इलेक्ट्रिकल का है तो हम उसमें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, वो लोग भी कहेंगे नहीं सर हमको करना ही, आप ही करवाइए, तब उस केस में हम कुछ कर सकते हैं कि जो सिविल के अच्छे, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो हम लोग के बैचमेट में थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो अच्छे मार्क्स गेन किए थे, उनके थ्रू हम चाहेंगे कि वो लोग जो है वो आप लोग के लिए कुछ व्यवस्था करें। तो वो जब आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तभी आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए तो हम हैं, जब तक हम हैं तब तक इलेक्ट्रिकल वाले बिहार के कोई भी लड़के को कहीं पर भी कुछ सोचने का तनिक भी परेशानी, मतलब दिमाग पर लोड देने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं, पास कराएंगे आपको, अच्छे मार्क से पास कराएंगे, भले एग्जाम का पैटर्न बदल दे, चाहे भले एग्जाम हिमालय पर ले लें, लेकिन हम जो है आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा रहेंगे, और आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस वे में बताया जाएगा कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब तक हम हैं तब तक आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप खुद अभी देख रहे हैं कि अभी तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन हम आप कम स्टूडेंट हैं फिर भी हम आपके लिए ये काम किए हैं, रात के 3 बजे तक हम वो टेस्ट सीरीज को देखे हैं, उसको वेरीफाई किए हैं, तब उसको हम फाइनलाइज किए हैं, और उसके बाद हम उस टेस्ट सीरीज को ऐड किए हैं इसमें। अभी उसमें एक टेस्ट सीरीज हमारा जो है वो ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस टेस्ट सीरीज को जाकर अभी आप दे दीजिएगा पहला टेस्ट, उसके बाद इसमें जो है वो इनरोलमेंट तुरंत ही कर दीजिएगा, ताकि हम अगला क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बनाने का, उसके लिए हम उसको पे कर सकें और वो हमारा क्वेश्चन टाइप करके दे दे। तो यहाँ पर अभी एक टेस्ट सीरीज जो ACS का है वो फ्री है, और एक टेस्ट सीरीज हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो पेड है, तो उसमें अभी आप एक टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा, इसी वे में आपका क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। ये आप गारंटी रखिएगा कि आपको क्वेश्चन जो है वो ये टेस्ट सीरीज से बहुत अगर बाहर गया तो 2 से 3-4 क्वेश्चन, मैक्सिमम मान के चलिए तो 5 क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा, 65 क्वेश्चन यही टेस्ट सीरीज से आपको मिलेगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कहां से क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन का भी तो एक लिमिटेशन होता है कि वहीं तक क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके बारे में अगर पूछा जाए तो आपके बारे में क्या है, आपके बारे में एक लिमिटेशन ही नहीं कि आप कितना, आपका माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आपका घर का नाम क्या है, आप कहां तक पढ़े हैं, तो ये क्या लिमिटेड क्वेश्चन है, ऐसा है कि आपके बारे में अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो अनलिमिटेड क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरीके सब्जेक्ट में भी होता है, सब्जेक्ट में भी एक लिमिटेड पोर्शन होता है, तो क्वेश्चन भी हमारा लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड होता है कहीं से कुछ भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो क्वेश्चन पूछने लायक होता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन लोग के पास उतना भी दिमाग नहीं है कि अपने से क्वेश्चन फॉर्म करके दें, ये सीधे की करेंगे, कॉपी करेंगे, कहीं का भी JEE का एग्जाम हो, गेट का ऑनलाइनर हो, वहां का कॉपी करेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहां पर जो है वो पूरे उस फ्रेम में कराया गया, उस तरीके से यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करवाया गया। तो आप लोग इसको अच्छे से सपोर्ट करिए, और आज ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस कोर्स में इनरोल करिए। अभी इसका प्राइस जो है वो 200 रुपया रखा गया है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, कोई भी विद्यार्थी इसको अफोर्ड कर सकता है। इससे बेनिफिट आपको ज्यादा ये होगा कि आपको एग्जाम का रिहर्सल पहले ही हो जाएगा, एग्जाम का प्रैक्टिस एग्जाम देने से पहले हो जाएगा, क्योंकि ये CBT बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो पहली बार आप लोग कंप्यूटर से फेस करिएगा तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, इस टेस्ट सीरीज से आपको जो है वो उसका जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगा, तो इसमें आप लोग जल्दी से जल्दी इनरोल करिए और इसका सहयोग करिए। लास्ट में एक क्वेट के साथ इसको हम खत्म करते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। जब तक आप अपना पर नहीं खोलिएगा, जब तक अपने आप सोच को नहीं बढ़ाइएगा, जब तक आसमान को देखते रहिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक कि आपके अंदर में साहस नहीं आएगा, क्षमता नहीं आएगा उड़ान का, अगर थोड़ा सा भी आप कोशिश करिएगा तो उड़ जाइएगा। जैसे कोई भी पक्षी, जो चिड़िया का बच्चा होता है, शुरुआत में जब वो घोंसला में होता है तो अचानक उसको उड़ने के लिए नहीं आता है, वो धीरे धीरे कोशिश करता है, देखता है अपने माता पिता को, देखता है कि वो किस तरीके से उड़ते हैं, उसी आधार पर वो भी उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो अभी आपके पास समय, ये नया वर्ल्ड है आपके लिए, MCQ जो वर्ल्ड है वो नया वर्ल्ड है, ये पूरे अलग तरीके का आपका एग्जाम है। तो जब तक आप शुरू में ही इनिशिएटिव नहीं करिएगा, शुरू में कोशिश नहीं करिएगा, तो फाइनली आप डायरेक्ट कैसे उड़ सकते हैं। कोई भी काम को करने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करना पड़ता है, धीरे धीरे हम उस सक्सेस को गेन करते हैं। तो अभी आप पहले पर खोलिए, मतलब आप टेस्ट सीरीज में आइए, उसका टेस्ट कंडक्ट करिए, टेस्ट में बैठिए, टेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर आप इस काबिल हो जाइएगा कि डायरेक्ट आप उड़ान में चल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप उड़ सकते हैं, और इतना गारंटी है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम विद्यार्थी का इस बार जो है, जो अच्छे से टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे, हम गारंटी उसको देते हैं कि 80% इस सेम में आपका डेफिनेटली आएगा, अगर आप टेस्ट सीरीज को अच्छे से ध्यान से मतलब देते हैं, उसका जो भी आपसे नहीं बनता उसको अच्छे से मेमोराइज करते हैं।
तो बस यही कहना है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट करिए, अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सभी को मोटिवेट करिए इस कोर्स को एनरोल करने के लिए, क्योंकि जितना विद्यार्थी रहेगा उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, उतना ही आपके लिए कंपटीशन भी दिखेगा कि क्या परफॉर्मेंस अदर सबका है, क्योंकि वहां पर एक लिस्ट दिख जाता है वो भी दिख जाएगा, और उसके बाद हमको उससे उसके बाद आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जितना ज्यादा ज्यादा विद्यार्थी रहेंगे उतना ज्यादा आपका टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जितना इनकम इससे आएगा, जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा हम उसको पे करेंगे, उतना ज्यादा वो क्वेश्चन दे देगा हमको, हमें आज क्वेश्चन देंगे बोले पर क्वेश्चन का एक वर्ड का 20 पैसा लेता है टाइप करने का, मतलब अगर ऐप पर टाइप करवाते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली है, तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।